दिल्ली के जंतर मंतर पर सिक्किम से आए लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या उनकी मांगे हैं, किस चीज को लेकर वो यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, उनसे जानेंगे। क्योंकि जिस तरीके से सिक्किम जो है हमारे भारत का अभिन्न अंग है, वहाँ के लोगों की आवाज जो है वो दिल्ली तक आई है, यकीनन कोई ना कोई बड़ी वजह होगी। तो उनसे जानेंगे कि आखिर उनको ऐसा क्या हुआ जो दिल्ली कूच करना पड़ा। ये एक्चुअली 13 जनवरी को एक वर्डिक्ट आई थी, वो 2013 में ही ओल्ड एसोसिएशन ऑफ सिक्किम, सेटलर्स ऑफ सिक्किम ने फाइल किया था। फिर उसका वर्डिक्ट ये आई है कि वर्डिक्ट में हम लोग को जो इनकम टैक्स फ्री है ना सिक्किम में 2008 से, क्योंकि हम लोग सिक्किम के जो पहले कैसा था ना, हमारा स्टेट दूसरा देश था, तो हमारा स्टेट जब इंडिया में आया तो हम लोग को काफ़ी सारे छूट मिली। तो इन्हीं छूट में से आईटी एक्ट ने जो सिक्किमीज का टर्म है उसको सेक्शन 10 सब सेक्शन 26 के क्लास ट्रिपल ए में डिफाइन किया है, और उसी डेफिनेशन के तहत हम लोग को छूट मिली है। तो इन लोगों ने जो ओल्ड सेटलर्स थे जो वहाँ पे बिजनेस करते हैं, और जिन लोगों का सारे जो जमीन जायदाद बाहर ही था, तो वो लोगों ने क्या किया कि हम लोगों को भी छूट चाहिए, इनकी जैसे पूरा छूट चाहिए। तो इसी में उन लोगों से ये जो सिक्किमीज टर्म है ना, इसको ही स्टक डाउन करके ये लोग हम लोग को इमिग्रेंट और फॉरेन ओरिजिन का ये वाला आया था 13 तारीख को। हालांकि वो करेक्ट हो चुकी है, कल सुप्रीम कोर्ट में इंटरवेंशन शूट डाल के हमारे इधर के अच्छे लोगों ने इसको ये करवा लिया, बेदाग बना लिया। लेकिन अभी जो है कि हम लोग टैक्स जो है टैक्स नहीं देंगे, वो लोग को फुल एग्जेम्पशन देने नहीं देंगे, क्योंकि वो लोग ही तो बिजनेस कंट्रोल करके बैठे हैं ना, तो वो लोग से टैक्स एग्जेम्पशन इतना होगा तो फिर हमारा क्या होगा आगे। जब भारत में हम एक देश जो सिक्किम अंतर्भुक्त हुआ, तभी निकला उसका, तब से जन्म हुआ था ये भारत के संविधान में 371F बोल के आर्टिकल, उसमें कई प्रावधान वगैरह दिए गए थे कि उसके जो पौराणिक काल से रह रहे हैं, जो बहुत आगे से वहाँ पर सिटीजन लोग रह रहे हैं, उनको सुख सुविधाएं और उनको अधिकार के ऊपर 371F के प्रावधान के तहत हमको उसमें किया। लेकिन अभी देख रहे हैं कि 371F जो आर्टिकल के तहत दिए गए कई पुराने कानून, उनको आहिस्ता आहिस्ता तोड़ मोड़ करके उसको डाइल्यूशन हो रहा है। तो उस 371F के दिए गए अधिकार को पूर्ण रूप से सुरक्षित रखना चाहिए बोल करके हम ये भारत को, देश को और बताने के लिए एक जंतर मंतर आए हुए। तो जैसा कि इन्होंने बताया कि आर्टिकल 371F जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में इनको एक स्पेशल प्रोविजन देता है सिक्किमीज को, जिसका हर भारतीय को सम्मान करना चाहिए, और ये लोग यही चाहते हैं कि इनके हुक जो हकूक है जो इनको कॉन्स्टिट्यूशन में मिले हैं, जब सिक्किम जो पूरा एक देश था वो भारत का अभिन्न अंग बन गया था, एक राज्य बन गया था, तब उनको वो हक मिले थे, वो उनको एज इट इज़ रहने चाहिए। और इनकी जो चीज़ें हैं, जो इनकी डिमांड है, जो नेपाली कम्युनिटी को शेड्यूल ट्राइब्स में लाने की बात इन्होंने कही, उसको भी जो है ये चाहते हैं कि जोड़ा जाना चाहिए। अब देखने वाली बात होगी कि सिक्किम सरकार इस पर कब गौर फरमाती है। वीडियो जर्नलिस्ट नीरज के साथ में जबरान जरार खान, न्यूज़ 44।